ओके स्टार्ट करते हैं। हैंड रिटन शीट नंबर 24 हम लास्ट टाइम कर रहे थे, चेक कर सकते हो हैंड रिटन शीट नंबर 24 प्रोजेक्टाइल मोशन की। और इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस अभी भी शेयर करो जाते हुए, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आखिरी के सिर्फ दो क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। तो आखिरी के दो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, यहां से शुरू करना है हमने। टू टॉल बिल्डिंग्स, यहां से देखो एक बार, पांच मिनट बाद। टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो दो टॉल बिल्डिंग्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर है। एंड विद व्हाट वेलोसिटी अ बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड। 55 मीटर अबव द ग्राउंड एक विंडो से किसी बॉल को फेंका, और वो कहां जानी चाहिए, वो जानी चाहिए इस विंडो पे विच इज एट अ हाइट ऑफ 10.9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक विंडो कितनी हाइट पर है, 55, एक विंडो कितनी हाइट पर है, 10.9। तो यहां से लेके यहां तक एक मान लो बॉल आती है और इस विंडो से इस विंडो तक आनी चाहिए, तो बताओ ये वेलोसिटी यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो यू निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, आप देखो हमें क्या लेना, इसके नीचे क्या है, हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। तो अगर ये हाइट 10.9 है, अगर ये हाइट 55 है, तो 55 में से 10.9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 44.1। तो हमारा क्वेश्चन सिंपली इस विंडो से इस विंडो तक है एंड एट अ हाइट ऑफ 44.1 मीटर एंड वेलोसिटी कितनी है, यू। तो हमारे हमारी प्रॉब्लम जो है वो यहीं तक है और ये डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो अब इस केस में हमने पत्थर को या बॉल को कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, जीरो। हमने हॉरिजॉन्टल फेंका, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। अब एक काम कर सकते हैं इसमें, आप इसमें वाई एक्सिस में इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहां से यहां तक की, वाई एक्सिस में 44.1, वाई एक्सिस में 44.1। एक्सेलेरेशन क्या होगी, 9.8, नीचे की तरफ है। अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई की जगह 44.1, इनिशियल वेलोसिटी की जगह जीरो, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टाइम आ गया। तो कितने टाइम में ये बॉल यहां से यहां आ रही है, इन टाइम 3 सेकेंड। कोई डाउट इसमें? तो 3 सेकेंड में ये बॉल नीचे आ गई, पर हमने तो यू निकालना है। एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर ये डिस्टेंस कितना है, 180। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो व्हाट वी कैन अप्लाई, एक्स इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वी कैन अप्लाई एक्स इज इक्वल टू वी टी, एक्स की जगह 180, वेलोसिटी हमने निकालनी है कांस्टेंट है और टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। और आप एक और चीज नोट कर रहे हैं कि y एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई की जाती है, s इज ut plus half at square, और x एक्सिस में s इज इक्वल टू vt, और x एक्सिस में तो एक ही इक्वेशन अप्लाई की जा रही है क्योंकि x एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन प्लीज रीड करना। देखो क्वेश्चन है, अ हेलीकॉप्टर ऑन अ फ्लड रिलीफ
मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ यू, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विद अ स्पीड ऑफ यू एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एच, ऑल्टीट्यूड ऑफ एच हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट, एक फूड का पैकेट उड़ते हुए हेलीकॉप्टर ने ड्रॉप करना है। अगर हेलीकॉप्टर की खुद की स्पीड यू है तो फूड पैकेट जो ड्रॉप किया उसकी स्पीड भी इनिशियली यू ही रहेगी, तो निकलती उसकी स्पीड यू है इन सेम डायरेक्शन, तो यू स्पीड है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी फूड पैकेट की जीरो, पर अल्टीमेटली इसे नीचे गिरना ही पड़ेगा बिकॉज ग्रेविटी का इफेक्ट इसमें से नीचे ले आएगा। तो इस केस में आपको निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी ड्रॉप्ड। तो ये विक्टिम है, यहां पर फूड पैकेट गिरना है, तो यहां से पैकेट गिरना है, तो ये दूरी कितनी है ये बताओ। तो अगर मैं आपको x बता दूं, अगर मैं आपको h बता दूं, तो पाइथागोरस से d square is equal to h square plus x square से d can be calculated। तो आपको क्वेश्चन में h तो गिवन ही है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले y एक्सिस में ये देखते हैं कि फूड पैकेट कितनी देर में नीचे गिरेगा। तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल क्या लेंगे, जीरो हाफ जी टी स्क्वायर, तो टू इधर चला गया, जी नीचे आ गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास, इतने टाइम में फूड पैकेट नीचे आएगा। और x एक्सिस में एक ही क्वेश्चन अप्लाई की जाती है, x इज इक्वल टू vt, वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी u into t, t हमें पता है पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x आ गया, h तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये टोटल डिस्टेंस d क्या होगा इनके इनके बीच में, जहां से फूड पैकेट ड्रॉप किया था और जहां वो गिरा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह ये वैल्यू पुट की हमने, तो d की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो d कैसे निकलेगा। तो इसी के साथ ये शीट को करते हैं खत्म, और नेक्स्ट एक